हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीजे एकेडमी पुणे। आज मैं ये बताऊंगा कि ये प्लेयर में जितने भी बटन्स हैं ये कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है, ये है जो 1 और 2 लिखा है, ये माइक वाला है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, पीछे माइक लिखा है। तो ये जो 1 और 2 है ये माइक वाला सेक्शन है, जिसमें कि यहाँ पर माइक कनेक्ट किया है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं माइक 1 सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे माइक 1 सिलेक्टेड है। तो अगर मैं माइक में अगर कुछ बात करूँ तो ये सारी आवाज़ माइक में आ रही है। अभी मैं जो भी बात करूँ ये माइक में आ रहा है सीधा। यहाँ पे मॉनिटर है, मॉनिटर के थ्रू इधर आ रहा है। तो आप समझ गए रहेंगे, अगर मेरा माइक पीछे से सेकंड में कनेक्टेड होता तो ये सेकंड में मैं ऑन करता इसको। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज दी है, यहाँ पे लो का, यहाँ पे मिड का, यहाँ का हाई का, और ये हमारा जैसे ट्रिम पॉट होता है वहाँ वैसे यहाँ सेम लेवल दिया है। तो माइक में आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट करके, यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट दिए हैं, आप वैसे इफेक्ट करके आप माइक को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इफेक्ट का ऑन ऑफ बटन दिया है, फिर आप उसकी डेप्थ आप कर सकते हो आपको जितनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल ऑफ करता हूँ। तो नेक्स्ट बटन है यहाँ पर, ये अपना लूप सेक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं लूप का करता हूँ तो ये लूप ले लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लूप ले लिया है, ये रिपीटेड चल रहा है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और इसके ऊपर के जो 2 बटन है ये जो ब्लिंक हो रहे हैं वो इस काम के लिए आते हैं। मान लो डीजे इसका ऐसे यूज करता है, जैसे कि मैं लूप फिर से प्ले कर रहा हूँ, ये प्ले हो गया, इसको छोटा छोटा कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसको इन या आउट बटन दबा के, अभी मैंने इन का बटन दबा दिया और डिस्क को घुमा के ऐसे करते हैं, देख रहे हो ये छोटा बड़ा हो रहा है। और ये है एग्जिट, एग्जिट करूंगा तो मैं नॉर्मल अपना गाना प्ले हो जाएगा। मैंने कर दिया एग्जिट तो लूप अब हट गया और ये ब्लिंक भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये है अपना लूप को कम ज़्यादा करने के लिए और मेमोरी को कॉल करने के लिए। मेमोरी वो चीज़ है जो कि हॉट क्यू के साथ बनती है, तो मेमोरी से आपके मिक्सिंग इजी होती है। यहाँ पे है वाइनल मोड जो कि ब्लू कलर में, अभी ऑफ है, मैं इसको दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा। अब गाना प्ले करूंगा तो इससे स्क्रैचिंग हो जाएगा। देख सकते हो अगर ये ऑफ है तो स्क्रैचिंग नहीं होगा, बस फास्ट और स्लो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वाइनल मोड का था। यहाँ पे है जॉग, एडजस्ट कर सकते हैं हम, जैसे कि ये फास्ट हो गया, अब इसको हेवी करूँगा तो ये लूज हो टाइट हो गया। जब हेवी पे रहता है तब टाइट चलता है, जब लाइट पे रखते हैं तो लूज होता है ये। ठीक है, तो हम इसे सेंटर में ही रखते हैं। यहाँ पे रिवर्स मोड ये वो काम करता है, अभी जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो गाना उल्टा चलेगा। अभी देख सकते हो आप ही आगे की ओर चल रहा है, अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, देखा अभी उल्टा चलने लगा, ये ऑन हो गया। अब इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो ये गाना अपने आप सीधे चलेगा, हो गया ऑन। ठीक है, ये है अपना डिस्क, इससे हम पिच बेंडिंग करते हैं, बीट मैचिंग बोलते हैं जिसको बाकी डीजेस, और इससे हम स्क्रैचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यह है हमारा शिफ्ट बटन, जिससे कि हम हॉट क्यूज जो लगाते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं शिफ्ट बटन प्रेस करके। यह है ट्रैक सर्च, अगर मैं इनको दबाऊंगा तो गाना ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे कि हम फ़ोन में लैपटॉप में करते हैं। यह है सर्च बटन, जिससे कि हम गाना आगे भगा सकते हैं, और पीछे वाला दबाया तो गाना पीछे आता है। ठीक है, तो ये सर्च का बटन और ये ट्रैक सर्च का। और ये जो ग्रीन बटन है और ये ऑरेंज बटन है, जैसे कि ये ग्रीन है, अब ये ब्लिंक हो रहा है यानी कि इसको प्रेस करना है। अब इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये रुक जाएगा, यानी कि गाना प्ले हो जाएगा। यहाँ पे प्ले और यहाँ पे पॉज है, ये प्ले है और ये पॉज है, देखा। अब इसको दबाऊंगा तो गाना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना प्ले और स्टॉप का बटन है, प्ले और पॉज इसी में ही, इसको मैं दबाऊंगा तो पॉज हो जाएगा, तो साउंड में ऐसे आवाज आ रहा है। फिर से दबाऊंगा प्ले हो जाएगा, इसे स्टॉप करूंगा। ये है अपने अभी फिलहाल हॉट क्यूज पे है, यह बीट लूप पे है, ये अब स्लीप लूप पे है, यह बीट जंप पे है। तो अलग अलग आप इसमें टेक्निक कर सकते हो, जैसे कि मैं
इसको बीट लूप पे लेता हूँ, गाना प्ले करता हूँ, इसको प्रेस करूँगा। ऐसे काम करता है। मैं बीट जंप पे लेता हूँ तो ये जंप करेगा, गाना आगे जा रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटी स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा, पर ये आगे बढ़ता है गाना ऐसे। नेक्स्ट है यहाँ पे कलर इफेक्ट्स दिए हैं, आप साउंड कलर इफेक्ट्स यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। जैसे कि मैं गाना इसको ऑन करूँगा, फिल्टर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डब एको, अलग अलग इफेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर। ये है हेडफोन वाला सेक्शन, जैसे कि यहाँ पे आप मैंने इतनी लगाई है हेडफोन की लेवल, आप लगा सकते हो। आपको क्यू पे रखना है, मास्टर पे रखना है, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है, वैसे आप सेट कर सकते हो। ये है इन कलर इफेक्ट्स की डेप्थ, आपको कितना पैरामीटर रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, मैंने सेंटर में रखा है। ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे USB 1 USB 2 का ऑप्शन है, लिंक ऑप्शन दिया, रिकॉर्ड बॉक्स जोड़ सकते हो, ये बाकी ब्राउज वगैरह कर सकते हो, टैगलिस्ट बना सकते हो, इन्फॉर्मेशन गाने की निकाल सकते हो, ये मेन्यू और विथ यूटिलिटी यानी कि इस प्लेयर की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। ये अपना स्क्रोल बार भी है और इससे ट्रैक देख रहे हो, जूम इन जूम आउट भी हो रहा है, इससे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये जैसे कि मैंने बैक कर दिया, अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये उसी गाने में जाएगा। अब मुझे बताएगा लोड किस में करना है, डेक 1 डेक 2 में, तो मैं इससे स्क्रॉल करके मैं सेटिंग कर सकता हूं। अगर मैं इसको डेक 2 में करूंगा, इसी को प्रेस करूंगा तो ये नीचे आप ट्रैक आ गया देख सकते हो। ये बैक का बटन है, जैसे कि नॉर्मल हम बैक जा सकते हैं, ये हम टैग इससे बना भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये अपना डेक 1 डेक 2 है, जैसे कि अपने पास ये भी है और ये भी है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके आगे है ये बीट एफेक्ट्स है, जैसे कि ये टचेबल है। मैं यहाँ पे अगर मैं टच करता हूँ तो नीचे ये लाइट ब्लिंक हो रही है, देख सकते हो आप, तो ये टच होता है। ये अब वो इफेक्ट ऑन हो रहा है, अभी मैंने उंगली हटाई तो वो ऑफ हो गया, देख रहे हो। तो इसमें अलग अलग है, जैसे कि अब नंबर्स ऑन हो गए, अब मैं इनको टच कर रहा हूँ तो ये लाइट ब्लिंक हो रही है ब्लू वाली, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया है XZ वालों ने, और ये जब हम करते हैं इसका यूज़ तो बहुत मज़ा आता है। तो ये काफ़ी प्लेयरों में होता है, ये टैप है, हम गाने का BPM निकाल सकते हैं ये टैप करके। ये है बीट, जैसे कि हम कोई इफेक्ट यूज़ करते हैं तो बीट को यहाँ से हम छोटा मोटा कर सकते हैं जिससे आपको चाहिए। ये है इफेक्ट्स, अलग अलग इफेक्ट्स, आप फिल्टर देख सकते हो, फ्लेंजर देख सकते हो, फेजर देख सकते हो, पिच देखते हो, स्लिप रोल देख सकते हो, अलग अलग है। तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हो आपको लो पे करना है, मिड पे करना है या हाई पे करना है, मैंने तीनों पे ऑन रखा है। फिर ये है आप इफेक्ट कौन से चैनल पे दे रहे हो, जैसे कि चैनल 1 करता हूँ तो मैं यहाँ पे चैनल 1 पे आ जाएगा, फिर चैनल 2 पे आ जाएगा, जैसे 3 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। माइक पे चाहिए मुझे तो माइक में कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकते हो आप। ये है आपका टाइम, जैसे कि आप कोई इफेक्ट करते हो उसको छोटा बड़ा भी इससे कर सकते हो, जैसे कि इससे ज़्यादा और छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये टाइम से ये है आपका इफेक्ट, अभी ऑन हो गया है। अगर मैं इसको करूँ तो कोई इफेक्ट इसमें आ जाएगा गाने के साथ, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ट्रांस, मैंने सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे चैनल 1 करता हूँ, ये आ गया चैनल 1। अब मैं गाना प्ले करता हूँ, देख सकते हो ट्रांस, इसको ऑफ करता हूं मैं, आप देख सकते हो उसमें इफेक्ट आ रहा है। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ये इफेक्ट के लिए था। सेम प्लेयर वैसा ही है, बस इसमें यहाँ पे हम पेन ड्राइव जोड़ते, वो वाले प्लेयर में नहीं था। यहाँ पे मास्टर का आउटपुट दिया है, जहाँ की तीनों फ्रीक्वेंसीज दी है अपने, लो मिड और हाइस, आप देख सकते हो। बाकी ऑप्शन सेम है, यहाँ पे सिंक बटन है, यहाँ पे भी है सिंक बटन, पर हम सिंक वाला चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये इफ़ेक्ट्स, जो ये इफ़ेक्ट्स है इनको यूज़ करने के लिए नॉब्स है, बाकी तो ये हम इक्वलाइज करते हैं और चैनल के साथ लो मिड और हाई का फ्रीक्वेंसी है, ऊपर ट्रिम पॉट है, बाकी तो चीज़ें मोस्टली बाकी प्लेयरों में होती है।
तो जो नई थी वो इसमें बताइए, बीपीएम वगैरह टेम्पो वगैरह सेट करना यहाँ पे होता है, यहाँ पे मास्टर टेम्पो इसको हमने ऑन रखा है, यहाँ पे टेम्पो हम हमें चाहिए जितना हम वाइड कर सकते हैं और उतना कम भी कर सकते हैं, यह आपको मोस्टली पता रहेगा, ये हेडफोन्स के लिए रहेगा। और यहाँ पे क्रॉस फेडर है, ये स्क्रैचेस यूज़ कर सकते हैं, जो स्क्रैचिंग वगैरह करते हैं उनके लिए होता है मोस्टली क्रॉस फेडर, बाकी तो आप प्लेयर देख सकते हो। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ।